हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीव। आज हम HCS मॉक टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 2 अभी पेंडिंग था। 51 से लेके 100 क्वेश्चंस हम इस पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई अ राफेल फाइटर जेट इन द रिपब्लिक डे परेड 2022। द आंसर इज डी, शिवांगी सिंह। शी इज फ्रॉम वाराणसी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ए, इट वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2019। बी, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम। सी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डी, सुशील देव ऑफ इंडिया हैज वन सर्वड एज इट्स एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया है ए, वो नॉट इन 2019 बट इट गॉट नोबल प्राइज इन 2020। बाकी की स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइज जो है 2020 में मिला था, 19 में नहीं। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए, आर्टिकल 16(1) प्रेजिडेंट्स इम्पीचमेंट ग्राउंड्स। Article 87, special address by the president. Article 84, readjustment after each census. Article 80, composition of House of People. इसका आंसर है 53 का डी, composition of Council of States, that is Article 80, not House of People, but it will come like composition of Council of States. And what is the composition of House of People? Which article relates to it? Article 81 relates to the composition of House of People. Moving to the next question, 54. Which of the following statement is incorrect regarding Karinga Wildlife Sanctuary? Iska answer hai, it is a Ramsar site. Ye incorrect hai because it is not a Ramsar site. Baaki ki options, it is situated near Kakinada in Andhra Pradesh, sahi hai. It is the second largest stretch of mangrove forests in India, sahi hai. It is home to the critically endangered white-backed vulture, bhi sahi hai. Moving to the next question, 55. Kalaripayattu, an ancient Indian martial art originated in, iska answer hai A, Kerala. 56. Which among the following act provided voting rights to the Indian woman for the first time? Iska answer hai Government of India Act 1919. Isme voting rights woman ko pehli baar diye gaye. Question number 57. Which of the following statement is correct regarding Article 44 of the Indian Constitution? It was added by the 44th Amendment Act of 1978. It is part of the basic structure of the constitution. It has no legal force. It aims to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Iska answer hai C, it has no legal force. Iske saath hi aapko pata hona chahiye ki article 44 talks about what? It's regarding uniform civil code. So it has no legal फोर्स। बाकी के स्टेटमेंट्स इसके लिए इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म्स एटीजीवी मैप, बैमलैनीवी मैप, कैसीरीवी मैप रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू, आंसर इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? जो बॉडी में हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इसी की तरह इसको मिमिक करते हुए कुछ ड्रग्स बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स। सेकेंड, MSF रेट इज जनरली लोअर देन द रेपो रेट। इसका आंसर बनेगा ए, वन ओनली, बिकॉज जो MSF रेट है वो जनरली हायर देन द रेपो रेट होता है, नॉट लोअर।
क्वेश्चन नंबर 60th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट चंद्रयान 2. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय इसरो. सेकेंड, इट वॉज लॉन्च इन 2019. इट मेड अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. इट वॉज लॉन्च ऑन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3. तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है. सो द ऑप्शन इज सी. इट मेड अ सक्सेसफुल लैंडिंग. नो, इट फेल्ड टू मेक अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्प बाई फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजकुमार अमृत कौर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इसका आंसर है सी, हेल्थ का. 62, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज इन आई वॉशेज. आंसर इज बोरिक एसिड. 63, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स डाइड इन द ऑफिस. इसका आंसर है जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद जी. सो द ऑप्शन इज डी. 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ओजोन. ओजोन आपको पता ही होगा, वो रेज, वो जो गैस है, हमें रेज से बचाती है, यूवी रेज ऑफ सन. इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स, इट इज़ अ पेल येलो गैस विद अ पंजेंट स्मेल. जी नहीं, ब्लू कलर होता है. इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर एंड डजेंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस. सही है. इट इज़ जर्मिसाइड एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. करेक्ट. इट कैन बी यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर फाइबर स्टार्चेस एंड ऑयल्स. करेक्ट. तो इसका ऑप्शन बनेगा 2, 3 and 4 ओनली. सो द आंसर विल बी 63 का, 64 का सी. 65, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक चाचनामा. आंसर इज अबू बकर. 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज. इसका ऑप्शन आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये जो है हमारा सेक्स लिंक्ड है, बाकी सब ऑटोजोमल क्रोमोसोम लिंक डिजीजेज हैं. 67, हरियाणा स्टेट असेंबली एट प्रेजेंट हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 90. इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 81 इन 1967 टू 90 इन 1977 में इंक्रीज हुआ. ऑप्शन ए. टैनिंग ऑफ लेदर इज डन बाय बैक्टीरिया. अब टैनिंग ऑफ लेदर फिनोमेना है जिसमें लेदर की सेपरेशन होती है एनिमल स्किन एनिमल फैट से. वो किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लीड्स टू डायबैक ऑफ लेमन. डायबैक ऑफ लेमन इज अ डिजीज. किसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसकी कमी से होता है ये? कॉपर. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इन दिस वैली साइट और रिवर्स. रोपड़, सतलुज, बनावली, सरस्वती, आलमगढ़पुर, यमुना, मोहनजोदारो, घाघर. कौन से पेयर जो हैं इसमें करेक्टली मैच पूछे गए हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बनता है सी, 1, 2 and 3 ओनली. 70th का आपका आएगा सी, 1, 2 and 3 ओनली, बिकॉज जो फोर्थ है मोहनजोदारो वो कहाँ पे है? दैट्स ऑन इंडस रिवर, नॉट ऑन घग्गर. ये आपका गलत दिया हुआ है. 71, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट. लेफ्ट साइड एंजाइम्स आर गिवन, राइट साइड उसका एक्शन दिया गया है. ये मैचिंग हमें ऐसे दी गई है कि एंजाइम उसका एक्शन, मतलब वो किसको ब्रेक डाउन करता है इन ह्यूमन बॉडी. ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज सारे ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं. ट्रिप्सिन स्टार्च गलत है, ये प्रोटीन को करता है. अमाइलेज ये स्टार्च को करता है. लाइपेज फैट को करता है. ये सही है. तो 71 का क्या आंसर बनेगा? 3 ओनली. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वेन्यू ईयर सेशंस ऑफ कांग्रेस और इधर प्रेसिडेंट कौन से थे. नागपुर 1891 पी आनंद चरलू. सूरत 1907 दादा भाई नायरू जी. अलाहाबाद 1910 विलियम वेडरबर्न. बंकीपुर 1912 सैयद मोहम्मद.
विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? इसका आंसर है आपका ए, 1 and 3 ओनली. नागपुर आनंद चरलू एंड अलाहाबाद विलियम वेडरबर्न. क्यों? क्योंकि जो सूरत का सेशन है उसमें कौन थे? राश बिहारी घोष. राश बिहारी घोष जी थे. और उसके बाद बंकीपुर में कौन थे? राव बहादुर रघुनाथ. Moving to the next question, which among the following disease results from the use of polished rice? Polished rice के use करने के कारण कौन सा disease होता है? Beriberi. Which among the following Lok Sabha did not complete its full 5-year tenure? 1st and 4th, 2nd and 6th, 3rd and 7th, all of the above. इसका answer है all of the above, because इनमें से सभी ने ही नहीं किया अपना फुल टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन. इसका आंसर है कैपिलैरिटी. कैपिलैरिटी किसको कहते हैं? अगर किसी भी सक्शन से फ्लो जो है ऊपर जा रहा है, खुद ब खुद राइज कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिलैरिटी. जैसे प्लांट्स में भी प्लांट जो है, पानी जो है ऊपर जाता है, वो भी कैपिलैरिटी की वजह से होता है. राइजिंग ऑफ ऑयल इन द विक इज ड्यू टू कैपिलैरिटी. क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. 1857 रिफोल्ट सेंटर के साथ उसके कौन से लीडर्स थे? फर्स्ट कानपुर नाना साहेब, फैजाबाद खान बहादुर, बरेली मौलवी अहमदुल्ला, बागपत शामल. तो इसका आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच. क्यों? क्योंकि फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला. और बरेली में कौन थे? खान बहादुर. तो इसमें उल्टा ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ये दोनों मैचिंग गलत है और ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. अब ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो यूपीएससी के करंट पैटर्न, जो इस साल के क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है. इसमें आपको चारों की चारों ऑप्शंस पता होनी चाहिए कि उसके आंसर्स क्या हैं. आप कुछ भी अपना तुक्का नहीं लगा सकते, तभी ये क्वेश्चन हो पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 77, द माइक्रोफोन इन्वॉल्व्स. इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिराज इफेक्ट? इसका आंसर है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. मिराज इफेक्ट किसे बोलते हैं? जब आप कार से ड्राइव कर रहे होते हैं तो कई बार आपको ऑन रोड एक ऐसा लगता है कि आगे वाटर है, लेकिन वो वाटर नहीं होता. ऐसे ही डेजर्ट्स में होता है कि आपको दूर से वाटर दिखता है, सिर्फ आपको पानी की परछाई जैसा, रिफ्लेक्शन जैसा कुछ दिखता है. इसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट. ये किसकी वजह से होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज इन ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन आई एंड ईयर बाय द डॉक्टर्स? जो डॉक्टर्स आई और ईयर को देखते हैं, ठीक है, अपने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, उसमें कौन से तरह का जो मिरर है यूज किया जाता है? दैट इज कनकेव मिरर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. नो. इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नो. इट इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन ड्रायर. करेक्ट. इट इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट. रॉन्ग. सो इसका ऑप्शन आएगा सी. ये सब उसमें उल्टे दिए हैं. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. नो. इट डिक्रीजेज. इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नो. इट इंक्रीजेज. तो ये उल्टे दे रखे हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81, मशेलकर कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज ऑटो फ्यूल पॉलिसी. मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है? रिवर्स. और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है? उसका ओरिजिन.
देख सकते हैं मैचिंग को देख के। ब्यास तंडी किलोंग दिया हुआ है, झेलम पीर पांजल चनाब रोतांगकुलु रावी रोतांगकुलु। अब हम देखते हैं कि कौन से मैच करेंगे इसमें किसके साथ। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ब्यास के साथ कौन सा आ रहा है, ब्यास कहाँ से आ रही है, रोतांगकुलु से। ठीक है, झेलम कहाँ से आ रहा है, पीर पंजाल से। चनाब कहाँ से आ रही है, तंडी किलोंग से। और रावी जो है वो रोतांग कुल्लू से ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 82 का ए, 83। मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें आपको पासिस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस जोजला। ठीक है, उसके बाद जस्कर का आता है फोटुला। ठीक है, पीर पंजाल का आएगा बनिहाल, और लद्दाख का आएगा खरदुंगला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बन रहा है डी। 84, कंसीडर द फॉलोइंग एशियन नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन एशियन पीरियड। डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट साइड पे और एशियन नेम्स आपको राइट साइड पे गिवन है। हिसार का हिसार फिरोजा, पानीपत पनरसथा, जींद का इकदार, सोनीपत का स्वर्णप्रस्था। ठीक है, तो आपको इसमें मालूम होगा कि जींद का जो एशियन नेम था वो क्या था, जयंतीपुरी। जींद का एशियन नेम था जयंतीपुरी। ठीक है, तो ये गलत है, और बाकी तीन जो हैं वो सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर बनेगा। धौली एंड विष्णु गंगा मीट सेट विष्णु प्रयाग। 86 का, स्कंद गुप्ता इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। जो स्कंद गुप्ता है वो किस इंस्क्रिप्शन से रिलेट करता है, दैट इज वितारी पिलर। इसका ऑप्शन में करेक्ट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल। पहली स्टेटमेंट, दीज सॉइल्स डेवलप इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। गलत, ये कहाँ होते हैं, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर में। दीज सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। सही, दीज आर वेल सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। नो दे आर नॉट, रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश। सही, तो इसका आंसर आएगा 2 और 4 ओनली। जो लेटराइट सॉइल है वो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के एरियाज में पाई जाती है। हाई रेनफॉल की वजह से इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें नाइट्रोजन कैल्शियम होने चाहिए वो नहीं हो पाते, क्योंकि पानी जो है वो उसको लीच आउट करके ले जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये सूटेबल नहीं होते फॉर कल्टिवेशन, बिकॉज इसमें एसिडिटी होती है, एसिडिक सॉइल। उसके बाद 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज मोलासेस बेसिन। तो इसका आंसर है मिजोरम। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स 89 क्वेश्चन। लेफ्ट साइड इज पपेट्री, राइट साइड इज स्टेट। ठीक है, कुंधई तमिलनाडु, बोमलाटम केरला, पावाकुट्टू उड़ीसा, यमपुरी बिहार। ये दे रखे हैं इनके सामने इसका, लेकिन करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, फर्स्ट का है कुंधई का क्या है, उड़ीसा। बोमालट्टम का क्या है, तमिलनाडु। पोवाकुट्टू का क्या है, केरला। यमपुरी का क्या है, बिहार। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इक्वेटर डजंट पास। देखिए, कोलंबिया से इक्वेटर पास करता है, केन्या से भी करता है, सोमालिया से भी करता है, रवांडा से नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा सी। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, पहले तो जब भी कोई साइक्लोन होता है उसके सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल सेंटर कोर को हम आई की तरह, मतलब आई पे रेफर करते हैं कि हाँ वो आई है। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है, 91 में ऑप्शन है बी। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है और लो प्रेशर रहता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर बहुत ही लो रहता है। 92, हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। इसका आंसर है ए, फाहीन। ठीक है, इब्न बतूता तो मोरक्को से थे।
93 मोसाड इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसका आंसर आएगा इज़राइल. व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, 22 मार्च. 95 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लेफ्ट साइड पर्सनालिटी दी हुई है, राइट साइड ऑर्गेनाइजेशन. रामा भाई रानाडे लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, रामा भाई सरस्वती आर्या महिला समाज, सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, विष्णु शास्त्री पंडित विडो री मैरिज एसोसिएशन. तो इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो सही मैच हुए हैं, ठीक है. सी के अलावा सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी नहीं थे, बाकी सब ये सही हैं, ठीक है. इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी किसने पहला सेटअप किया है, डी के कारवाज. 1916 में, ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने नहीं, डी के कारवाज जी ने 1916 में किया, बाकी सब करेक्टली मैच है. तो इसका आंसर बन जाएगा सी, ओनली 3 पेयर्स. फिर से वही चीज़ यूपीएससी के पैटर्न की तरह पूछा गया है क्वेश्चन. 96 होर फ्रोस्ट रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, इसका आंसर है बी. ओके, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर आपको पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है वो, सब्लिमेशन, ठीक है. ये नेप्थलीन बॉल्स एंड ऑल में इसका जो फिनोमेना है वो पाया जाता है. इसके ऑपोजिट जो है उसे बोलते हैं होर फ्रॉस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड. क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच वर हेल्ड ऑन 7 मई 2022 एट पंचकला हरियाणा, आंसर इज धक्कर. 98 हु हैज वॉन द 2022 इंटरनेशनल ब्रूकर प्राइज फॉर द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड, किसने जीता ये, आंसर इज गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल जी ने जीता. 99 मोहम्मद बिन तुगलक क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने कोली, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज, दीवाने कोली का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प टू पिजन्स, ठीक है, ताकि और लैंड कल्टिवेशन के अंडर आ सके और जो पिजन्स हैं उनको हेल्प करने के लिए. 100 विच सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय ईरान इन टू स्पेस, इसका है जुलजना. ठीक है दोस्तों, तो हमने 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है. आप इसकी जो टेस्ट की आंसर की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, neev_civils. इस पर आपको क्वेश्चन पेपर का PDF और आंसर की का PDF दोनों मिल जाएगा. और हम HCS की जो क्विकर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कैप्सूल्स फॉर रिवीजन और बहुत ही करंट का कंटेंट जो इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेगा, ठीक है. इसके अलावा हम UPPCS की मेन टेस्ट सीरीज़ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे और होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल टर्न आउट होंगी. थैंक यू सो मच.